अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे बहन भाई, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे? तो अभी जो है ना, मैं खीर लेने के लिए आई थी बकरी का। तो अस्सलाम अभी वालेकुम मेरे तमाम प्यारे बहन भाई। उम्मीद अभी करता हूँ कि मेरी ये तमाम बहनें और भाई खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरी तमाम बहनों को, भाइयों को खुश आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। तो इकरा जो है ना, आप ही आई हैं अभी खीर लेने के लिए, क्योंकि बेगम की तबीयत रात से बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी हम चाय वगैरह बना के ना उसको कुछ खिला के फिर हम यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएंगे। उसकी अम्मी जान को भी मैंने बुला लिया है, अपनी सासू माँ को, जो है ना। फिर अभी इधर से दूध निकाल के ना फिर चलते हैं किचन में, उधर उनके लिए चाय वगैरह बनाते हैं, फिर सीधा जाएंगे हम हॉस्पिटल। तो माशाल्लाह से दूध हमने निकाल लिया है, अभी चलते हैं किचन में। किचन में फिर जाके चाय बनाते हैं। बाकी मैं आपको सासू माँ से भी मिलवाता हूँ, वो भी आ गई हैं। सबको भी दफ्तर अपने यहाँ से। तो मैं रूम में आ गया हूँ और बेगम साहब अभी सो रही हैं। इनकी जो है ना रात से तबीयत काफ़ी ख़राब है। अभी जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि मैंने कहा कुछ खा लें फिर, क्योंकि ड्रिप वगैरह लगेगी ना, तो इसलिए फिर मैंने इसकी अम्मी को भी बुला लिया है, वो भी आ रही हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, बस हो ना, नोशी की तबीयत आज ख़राब हो गई ना, तो इसलिए अम्मी जान भी थोड़ी परेशान है। हाँ, उसकी तबीयत खराब हो गया है, फिर इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं ना अस्पताल। ड्रिप वगैरह भी लगवाएंगे और अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे। कितने दिन बाकी रह गए? हाँ बस बाकी थोड़े से दिन रहते हैं, फिर भी तसल्ली तो करवानी है ना, फिर हम बाद में कोई मसला ना बन जाए ना, इसलिए बस। हाँ पैदा हो रहे हैं तो इसलिए अभी बस थोड़ी देर में इनको लिए मैंने कहा चाय वगैरह आप पी लें, तो मैं भी कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ, तो फिर ना इनको लेके मैं हॉस्पिटल जाता हूँ अभी थोड़ी देर में। पापे खत्म हो गए? हाँ, पापे खत्म हो गए। तो माशाल्लाह से चाय तैयार हो गई है, अभी ना इसको कप में डालो। बस अभी थोड़ी देर है फिर। एक एक कप में डालते ना, नीचे बंद कर दो, वो वाला बंद कर दो, नहीं तो सारी चाय वो फिर ऊपर आ जाएगी। बस बंद कर दो, बंद कर दो, अब डालो कप में। पता नहीं होगी कैसी, मैंने तो नकाब लगा टेस्ट दूंगी। नहीं की है? नहीं, चलो सही हो जैसे भी होगी आप पी लेंगे। गया। यूसुफ के काम में तो इसका आपका क्या हाल करते हैं? कप को तोड़ दिया है, तोड़ वो दिया। जो पकड़ने वाला होता है ना हाँ, उसको तोड़ा है।
बस ले आओ। इधर है इनको दो, अबू को भी दो और इनको भी दो। चलो उसकी चाय निकाल दी, या इनको दे दो पहले, इधर ही बैठ के पी ले ना, इधर ही बैठ के पी ले। हाँ ये अबू को दे दो फिर। तो बस अभी चाय पी के ना फिर हम निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वो भी चाय पी लेगी कुछ खा लेगी ना, तो फिर इंशाल्लाह हम हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, क्योंकि फिर ऊपर से टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए फिर वापस भी तो आना है। आप सब लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह करे बस, क्योंकि पूरे घर वाले परेशान हैं, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं, और यूसुफ को देखें वो पहले गाड़ी में जाके बैठ गए। यूसुफ तू पहले आते बह गए। हाँ सब पहले पास बिलाओ एक भी। तो अभी यहाँ से जाएंगे सीधा हॉस्पिटल, पहले साजदा को, वो साजदा भी साथ जाएगी ना, उसको साथ लेके जाएंगे, ठीक है ना। और सासू माँ मेरी ये तो नहीं जाएंगी? नहीं, ये मेरे हाँ इकरा घर पे अकेली है ना, फिर सासू माँ और ये दोनों इधर आएंगी, अम्मी साथ जा रही हैं। तो हम जो है ना माशाल्लाह साजदा के घर पहुँच चुके हैं, और साजदा देखें वो आ रही है, काफ़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करवाया इसने हमें, ये देखें ये आ रही है। इधर हम आपका वेट कर करके थक गए हैं। बस वो अबू नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र। क्या हाल है चाची? ठीक ही वे। तो व्यूअर्स हम अस्पताल पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, अस्पताल हम पहुंच चुके हैं, अभी वो जा रहे हैं अंदर चेकअप करवाने के लिए। तो आप सब लोगों ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना खैर खूबी ये जो है हो जाए ऑपरेशन इनका, क्योंकि अभी तो आज फिर डेट वगैरह लेनी है इनकी, डेट वगैरह के बाद ही पता चलेगा कि क्या है, कितने दिन अभी रहते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल में अभी भी 10-15 दिन रहते हैं, अभी भी 10-15 दिन रहते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। तमाम प्यारे बहन भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इंशाल्लाह एक अच्छे और प्यारे व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको सारी डिटेल बता दूंगा।